फिल्म अमर सिंह चमकीला इन दिनों काफी ट्रेंड में है। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया है और उनके काम को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। इस फिल्म में उनकी कहानी को दिखाया गया है, लेकिन इसका कनेक्शन धर्मेंद्र से कैसे है आप यही सोच रहे होंगे। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के कजन ब्रदर की हत्या भी इसी तरह हुई थी। पंजाबी एक्टर वीरेंद्र सिंह की हत्या भी चमकीला की तरह ही अनसुलझी है। चलिए उनके बारे में आपको कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। 70-80 के दशक में धर्मेंद्र के कजन वीरेंद्र सिंह पंजाबी फिल्मों में आए और उस दौर में वो इकलौते एक्टर थे जिनका पंजाबी फिल्मों में करियर खूब ऊंचाइयों पर था। वीरेंद्र सिंह उस दौर के हैंडसम एक्टर भी थे जिनके ऊपर काफी लोग फिदा होते थे। वीरेंद्र सिंह और धर्मेंद्र लुक में काफी हद तक एक जैसे थे। उन्होंने अपने 12 साल की फिल्मी करियर में लगभग 25 फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई थी। वीरेंद्र सिंह ने खेल मुकद्दर का और दो चेहरे जैसी हिंदी फिल्में भी बनाई। वीरेंद्र ने 1975 में करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी में भी काम किया। सन 1888 में वीरेंद्र सिंह फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वीरेंद्र सिंह की हत्या आतंकवादियों ने की थी। सच्चाई क्या है ये किसी को अभी तक नहीं पता और उनकी हत्या की कहानी अनसुलझी है। साल 1988 में ही पंजाब के पॉपुलर सिंगर अमर सिंह और उनके भाई अमरजोत कौर उस दौर के बेहतरीन सिंगर थे। अमर सिंह को लोग चमकीला बुलाते थे और ये उनका निकनेम हो गया था। साल 1988 में अमर सिंह और अमरजोत कौर किसी कॉन्सर्ट में जा रहे थे, उसी दौरान उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या किस वजह से हुई ये आज भी अनसुलझा रहस्य है। उनके ऊपर ही दलजीत सिंह और परिणीति चोपड़ा की फिल्म अमर सिंह चमकीला बनाई गई है। इसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है। फिल्म को लोग काफी हद तक पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एंटरटेनमेंट बॉलीवुड स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टा फीड।